नमस्कार, जयस्कर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तथा ब्यावर विधानसभा के कांग्रेसजनों की ओर से सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का 43वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, पार्षदगणों तथा कांग्रेसजनों ने पायलट के जन्मदिन के मौके पर बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित सभी ने एक दूसरे को सचिन पायलट के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सादगीपूर्ण तरीके से मनाए गए जन्मदिन के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान 85 यूनिट रक्त समर्पित किया गया। शिविर के दौरान रक्तदान करने वाले कांग्रेसजनों को प्रशस्ति पत्र, मास्क तथा सैनिटाइजर भेंट कर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में पारस पंच, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, वीरेंद्र सिंह पंवार, विजेंद्र प्रजापति, बीआर सेन, सीपी शर्मा, पप्पू काठात, गोविंद पंडित, घनश्याम फुलवारी, दिनेश बेरवा, भरत बाघमार, भूपेंद्र पाल पंवार, सोमदेव साहू, राजेश जैन, अनिल प्रजापति, लोकेश बोहरा, मगन सोलंकी तथा इंदिरा रावत सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय सचिन जी पायलट साहब के आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्यावर सिटी डिस्पेंसरी में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। सभी कांग्रेसजनों का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। सचिन पायलट साहब राजस्थान के युवा नेता हैं और उन्होंने संगठन में बहुत एक लंबा अनुभव उनका, और उनका जन्मदिन हमारे लिए आज बहुत खुशी की बात है। हम सब मिलकर, सभी कांग्रेसजन मिलकर, सभी पार्षदगण मिलकर, आसपास के क्षेत्र के सरपंचगण, जो प्राठगण और भालिया पूजा ने बराबर तक से जो कार्यकर्ताओं को लेकर आए, उन सबको साथ लेकर यहाँ पर आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। और हम सब कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं पायलट साहब के जन्मदिन पर। हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं, उनके उज्ज्वल भविष्य की, उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं सभी कांग्रेस। शहर में विगत कई दिनों से चरमराई पानी, रोड लाइट तथा साफ सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर सोमवार को भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर परिषद में एकत्रित हुए भाजपा पार्षदों ने परिषद आयुक्त पर पार्षदों की शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने आयुक्त हाय हाय, कमिश्नर तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी सहित अन्य नारे लगाते हुए शहर की साफ सफाई व्यवस्था तथा खराब पड़ी रोड लाइटों को शीघ्र ही दुरुस्त करवाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात कर शहर की चरमराती रोड लाइट तथा साफ सफाई व्यवस्था पर आक्रोश जताया। पार्षदों ने बताया कि साफ सफाई के भाव में बरसात के बाद शहर में हर तरफ गंदगी ही गंदगी हो जाती है और शहर में बदबू फैल जाती है। पार्षदों ने परिषद सभापति से शीघ्र ही शहर की खराब पड़ी रोड लाइटों को दुरुस्त करवाने तथा शहर की साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने की मांग की। इसके बाद सभी पार्षदों ने सोमवार को आयुक्त कक्ष में उपस्थित उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान से मुलाकात की तथा आयुक्त पर जनप्रतिनिधियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। पार्षदों ने एसडीएम को बताया कि जब भी कोई जनप्रतिनिधि वार्डों की समस्याओं को लेकर आयुक्त या सफाई जमादारों को फोन करते हैं तो फोन रिसीव नहीं किया जाता है और समस्याओं की अनदेखी की जाती है, जिसके चलते वार्डों में समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। भाजपा पार्षदों ने उपखंड अधिकारी से शीघ्र ही शहर की समस्याओं को लेकर परिषद आयुक्त को ध्यान देने के लिए निर्देशित करने की मांग की है। मुलाकात के दौरान पार्षद सुरेंद्र सोनी, सुनीता भाटी, मंगल सिंह मोनू, कुलदीप बोहरा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, जय सिंह कड़ीवाल, मोती सिंह साखला, प्रीति शर्मा, पिंकी कुमावत, त्रिलोक शर्मा तथा ऋषभ चंद खटोर सहित अन्य पार्षद शामिल थे। शहर की आज मूलभूत सुविधा को लेकर चेयरमैन साहब को अवगत कराया गया। आए दिन वार्डों के अंदर पानी, बिजली, सफाई, नाली की व्यवस्था खराब और जो हो रखी है उसको लेकर आज चेयरमैन साहब को अवगत कराया, परंतु नगर परिषद प्रशासन आयुक्त महोदय द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आयुक्त महोदय द्वारा हमेशा जब भी 10 बजे 10:30 बजे हम यहाँ आते हैं, कभी भी अपनी सीट पर मिलते नहीं है और वो जब भी मिलेंगे तो 5:30 बजे बाद सीट पर आते हैं। दिन भर कहाँ गायब रहते हैं इसका ये पता नहीं चल पा रहा और कर्मचारी किसी का सुनते नहीं है। जो भी पार्षद यहाँ पर शिकायत लेके आते हैं तो उल्टा आयुक्त महोदय का ये रवैया रहता है कि साहब ये तो पार्षद आए दिन शिकायतें लेके आते हैं, जबकि हम
अपने वार्डों की समस्या को लेकर आयुक्त महोदय या जो नगर परिषद कर्मचारियों को अवगत कराते हैं, उसके बावजूद भी नगर परिषद द्वारा संज्ञान भी लिया जा रहा है। और फिर आज जब एसडीएम महोदय यहाँ पधारी तो एसडीएम महोदय के सामने भी हमने हमारी समस्याओं को अवगत कराया। एसडीएम महोदय को हमने ये दो तीन बातों से अवगत कराया कि आयुक्त महोदय किसी प्रकार का किसी पार्षद का फ़ोन नहीं उठाते, और फ़ोन भी उठाते हैं तो जवाब नहीं देते ऑफिस के अंदर। जब से इन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है, जब से लेकर आज तक 4 घंटे भी कभी अपनी नौकरी ऑफिस के अंदर नहीं बिताई है। या तो छुट्टियों पर चले जाएंगे या अपने क्वार्टर पर चले जाएंगे, किसी प्रकार का इन्होंने संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और शहर के अंदर इतनी व्यवस्था खराब हो रही है, अभी थोड़ी सी बारिश आई उसके अंदर नगर परिषद में घुटनों तक पानी भर गया। शहर में इतने नाले के अंदर जगह जगह खड्डे में पानी भरा हुआ है, नालों में पानी भरा हुआ है। साफ सफाई को लेकर इतना पार्षद लोग परेशान हो रहे हैं, आमजन इतना परेशान हो रहे हैं। और जब एसडीएम महोदय को हमने अवगत कराया कि तो एसडीएम महोदय ने हमारे को ये अवगत कहा कि इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान किया जाए। नगर परिषद आए थे, नगर परिषद में हमारी जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इससे अगर हम लोगों का तो मकसद था आज नगर परिषद को ताला ही लगाना है, लेकिन वो ना करके हम लोग जब आए तो आगे एसडीएम मैडम आई भी थी, तो हम लोगों ने एसडीएम मैडम के सामने हमारी वार्ड की समस्याएं रखी। सभी लेडीज पार्षद जेंट्स पार्षद ने सभी ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं बताई। मेन हमारे वार्डों में सबकी कॉमन समस्या है लाइट की, पानी की और सफाई व्यवस्था, जो कि सुचारू रूप से नहीं हो रही है। अगर ये सारी व्यवस्थाएं शहर में बन जाए तो शहर का अपना सुंदरता बनी रहेगी। जैसे सफाई कर्मचारी टाइम पे आते नहीं है, सफाइयाँ होती नहीं है, लाइट की कहो तो नगर परिषद में सामान नहीं है, मतलब बार बार में उनको एक ही लाइट के लिए 10 बार कहना पड़ता है, 2-2 महीने तक लाइटें बंद पड़ी रहती हैं। जबकि दिख रहा है सामने बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम के अंदर लाइट व्यवस्थाएँ होनी बहुत ज़रूरी होती है वार्ड में, लेकिन वो सुचारू रूप से नहीं है और न उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ एक ही बात बोली जाती है जब भी आते हैं, हमारे पास मैडम बजट नहीं है, आगे से सामान नहीं है। अरे भाई, बजट तो आप लोग मंगाओगे, कोशिश करोगे तो होगा ना। यही बात सुनते सुनते आज हमें 9 महीने हो गए, मतलब अभी तक शहर में किसी भी तरह का वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया के 115वें स्थापना दिवस पर सोमवार को शहर के अजमेर रोड पर बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जोधपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक एवं उप प्रबंधक बीएस चौहान ने शाखा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अंचल उप प्रबंधक चौहान ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक है, जिसकी देश विदेश में 5,000 से अधिक शाखाएं हैं। बैंक का कुल कारोबार 10 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। ने बताया कि ब्यावर शाखा जोधपुर अंचल की 59वीं शाखा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बैंक की राजस्थान के समस्त जिलों में उपस्थिति है। चौहान ने बताया कि बैंक शाखाएं इस दौरान महामारी एवं गंभीर चुनौतीपूर्ण समय में भी ग्राहकों तक निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही है। इस मौके पर शाखा प्रबंधक मनीष सवासिया ने बताया कि चूंकि ब्यावर एक बड़ा अच्छा एवं समृद्ध क्षेत्र है, अतः यहां बैंकिंग व्यवसाय की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि शाखा उद्घाटन समारोह के दौरान भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं बैंक द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में जारी समस्त दिशा निर्देशों की अनुपालना की गई है। इस दौरान ने विभिन्न बैंकिंग उत्पादों की एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में ग्राहकों को विस्तृत जानकारी दी। अंत में आंचलिक उप महाप्रबंधक चौहान ने उपस्थित सभी को शाखा शुभारंभ की शुभकामनाएं देते हुए ग्राहकों को धन्यवाद प्रेषित किया। ब्यावर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बन चुके बिच्छू गैंग के सरगना पुखराज उर्फ कॉलिस की 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने शनिवार की देर रात अंधेरी देवरी गांव में श्री सीमेंट गेट के समीप बने तिराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। हत्यारों ने देशी कट्टे से करीब 5 गोलियां दागी है, जिसमें से 2 कॉलिस के सीने में तथा 1 कमर से सटकर निकल गई। सीने में लगी गोलियों के कारण कॉलिस लहूलुहान होकर मौके पर ही ढेर हो गया। उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। देर रात शव को अस्पताल के चिरघर में रखवाया। पुलिस ने मौके से खून से सनी मिट्टी तथा 3 गोलियों के खोल जब्त किए गए हैं। रविवार को सुबह भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कॉलेज के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। यही नहीं, शव को भी आगे पीछे पुलिस जाब्ता लगाकर अंधेरी देवरी स्थित उसके घर तक पहुंचाया गया, जहां बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार तक पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। घटना की
गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया है। 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री गेट के समीप कॉलेज के बड़े भाई राजू के साथ रात 9:30 बजे के करीब मारपीट हो गई थी। उस समय तो मामला शांत हो गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि रात 11 बजे के करीब किसी ने कॉलेज को धमकी वाले लहजे में फोन कर उसे फैक्ट्री गेट से पहले तिराहे पर बुलाया। कॉलेज जैसे ही तिराहे पर पहुंचा कि पल्सर बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने उस पर फायर करना शुरू कर दिया। करीब 5 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 3 गोलियां कॉलेज को लगी है। मामले की भनक लगते ही परिजनों ने उसे तत्काल AKH पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। खबर लगने के बाद पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी एवं सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा भी मई जाप्ते के मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। एहतियात के तौर पर रात्रि में ही मोर्चरी के बाहर भी जाप्ता तैनात कर दिया गया। घटना को लेकर गैंग से जुड़े सैकड़ों युवाओं ने रविवार को सुबह अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा मचाया। हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। युवकों की हरकत को देखते हुए पुलिस ने लाठियां फटकार कर उन्हें खदेड़ा, तब कहीं जाकर शव को गांव के लिए रवाना किया गया। अंधेरी देवरी में भी पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण रूप से अंतिम संस्कार करवाया गया। उधर हत्याकांड के बाद हरकत में आई पुलिस हत्यारों को पकड़ने में लगी हुई है। लूटपाट, चोरी, मारपीट एवं छीना झपटी जैसी वारदातों को अंजाम देकर आतंक फैलाने वाली बिच्छू गैंग के सरगना अंधेरी देवरी निवासी पुकराज उर्फ कॉलेज पुत्र अमर सिंह रावत की हत्या की भनक लगते ही रविवार को सुबह बड़ी संख्या में उसकी गैंग से जुड़े सैकड़ों सदस्य राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय परिसर में एकत्रित हो गए। यही नहीं, उसके सहयोगी युवा भी अस्पताल पहुंच गए, जिन्होंने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर करीब 4 घंटे तक जमकर हुड़दंग मचाया। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्यावर के सिटी सदर मसूदा एवं जवाजा टाटगढ़ से पुलिस जाप्ता मौके पर बुलाना पड़ा। युवकों के हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस को 3 बार सड़क पर लाठियां फटकारनी पड़ी। एक एक कर 3 बार हंगामा मचा रहे युवाओं को पुलिस ने अस्पताल से काफी दूर तक खदेड़ा। शहर के छावनी इलाके में जय क्लिनिक के पास आपस में हंगामा मचा रहे 7 युवकों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। सिटी थाना पुलिस के अनुसार कॉलेज की मौत की खबर के बाद अस्पताल पहुंचे पीपली का बाड़िया निवासी त्रिलोक सिंह पुत्र बिरदा सिंह, मुकेश सिंह पुत्र चिमन सिंह, बलार निवासी राहुल पुत्र प्रकाश लोधा, रिंकू पुत्र प्रकाश लोधा, अंकित पुत्र राहुल लोधा, रातड़िया निवासी श्रवण पुत्र धन्ना सिंह, पीपलाज निवासी सुरेंद्र पुत्र रतन चीता रविवार को छावनी क्षेत्र में आपस में हंगामा मचा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। अंधेरी देवरी निवासी पुकराज और पुलिस रात को करीबन 10:30 बजे के पास कोई अंधाधुंध फायरिंग होने की वजह से श्री सीमेंट गेट के आगे दुकान है उसके पास घायल अवस्था में मिला। फिर उसको एम्बुलेंस से या हॉस्पिटल आए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके परिजन उसके साथ थे, उसका भाई और एक उसका मित्र था। उसने बताया कि पल्सर गाड़ी से 2 व्यक्ति आए थे, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके वापस ब्यावर की तरफ से आए और ब्यावर की तरफ वापस निकल गए। कई संदिग्ध को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। ये अभी बोर्ड से PM करवा रहे हैं, उसके बाद की बाकी खुद इसके आपराधिक प्रवृत्ति रही है। 7 मुकदमों में चलान हो रखा है, जिसमें लूट, मारपीट, चोरी, नकबजनी जैसे भी प्रकरण दर्ज हैं। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान सोमवार को औचक रूप से नगर परिषद पहुंची। नगर परिषद पहुंची SDM चौहान ने परिषद की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया तथा वहां के कामकाज की जानकारी ली। SDM को अचानक नगर परिषद पहुंचने के बाद परिषद कर्मचारी सकते में आ गए। निरीक्षण के दौरान SDM ने परिषद के हाजिरी रजिस्टर चेक किया तथा परिषद में निर्धारित समय से देरी से आने वाले कर्मचारियों की फटकार लगाई। निरीक्षण के बाद SDM ने आयुक्त कक्ष में परिषद के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने शहर की साफ सफाई, रोड लाइट सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को शहर में बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों तथा साफ सफाई को लेकर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए। इस दौरान परिषद सभापति रमेश कनौजिया ने बताया कि साफ सफाई को लेकर अभी नगर परिषद में संसाधनों का अभाव है। परिषद शीघ्र ही नए संसाधन क्रय कर रही है। संसाधन उपलब्ध होने के बाद शहर में साफ सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया जाएगा। बैठक के दौरान नगर परिषद के प्रशासनिक अधिकारी मोहन राय फुलवारी, JN कपिल गोरा, AN चिराग गोयल, RO शमीन बानो, अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार तथा स्वास्थ्य निरीक्षक कैलाश मीणा सहित विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित थे।
सदर थाना पुलिस ने रविवार रात को शहर के अलीनगर नुंद्री मंद्रातान में हुई युवक की हत्या का 24 घंटे में खुलासा करते हुए हत्यारे के आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के बाद घटनास्थल से फरार हुए हत्यारोपी को पाली जिले के सोजत सिटी कस्बे से गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार शाम को सदर थाने में प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा ने बताया कि रविवार रात 8:30 बजे शहर के अलीनगर नुंद्री मंद्रातान में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो रहा था, जिसमें नावेद पुत्र मोहम्मद सदीक की झगड़े के दौरान आरोपी आमीन द्वारा हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर AKH की मोर्चरी पहुंचाया। थाना अधिकारी जोधा ने बताया कि संबंध में मृतक के पिता मोहम्मद सदीक ने एक शिकायत देते हुए पास ही में रहने वाले मोहम्मद आमीन, मोहम्मद आलिम व मोहम्मद शाकिर द्वारा नावेद के साथ मारपीट करते हुए सरिये से सिर पर वार कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर धारा 302-34 में मामला पंजीकृत कर अनुसंधान शुरू किया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान पुलिस अधीक्षक अजमेर, अति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अजमेर के दिशा निर्देशन में वृत्ताधिकारी व्रत ब्यावर के सुपरविजन में थानाधिकारी जोधा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया तथा हत्या के बाद फरार हुए आरोपी मोहम्मद आमीन का मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीछा करते हुए सोजा सिटी जिला पाली से दस्तियाब कर बाद में पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी आमीन ने पुरानी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में लोहे के सरिये से वार नावेद की मौत का वारदात को स्वीकार किया। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, कांस्टेबल भगवान शेर सिंह, मोहनलाल तथा गोपीराम आदि शामिल थे। अलीनगर जो नुंद्री मंद्रातान पंचायत में एक कॉलोनी है, उसमें शाम को 8:30 बजे सूचना मिली कि सिलौट मोहल्ला में कोई झगड़ा हो रहा है। इस पर हमारी टीम पहुंची तो वहां पता चला नाम का लड़का है जिसके साथ मारपीट हुई है और मृत अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचा है। तो वहां जाके स्थिति देखी तो पता चला कि दोनों परिवारों में कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा था। उस बात को लेकर आवेशित होकर उसने आमीन नाम के लड़के ने नावेद के साथ मारपीट की, जिसकी चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो रात को ही घटना के बाद तुरंत टीमों को अलग अलग जगह भेजा गया, लोकेशन के आधार पर उसको सोजत सिटी से दस्तियाब कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने यह बताया कि पहले मैं बैठा था मोटरसाइकिल पर, तो उसने आके मेरे को छेड़खानी की, मेरे थप्पड़ मारी, इससे मैं आवेशित होकर उसके साथ मारपीट की, जिससे ये घटना करी थी। उधर सदर थाना पुलिस ने सोमवार सुबह मृतक नावेद के शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की थी। सदर थाने के SI सुखराम ने बताया कि रविवार रात को अलीनगर नुंद्री मंद्रातान में आपसी रंजिश को लेकर हुए लड़ाई झगड़े में एक युवक की हत्या हो गई थी। 9/2020 को ग्राम नुंद्री मंद्रातान में अलीनगर चलावती मोहल्ला में नावेद नाम के लड़के के आपस में मारपीट के दौरान मौके पर मृत्यु हो गई, जिसकी डेड बॉडी चीजों में पड़ गई थी। आज परिजन ने रिपोर्ट की, रिपोर्ट को निर्दोष किया गया और बाद PM डेड बॉडी परिजन ने सपोर्ट की गई और निकला जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन को निरस्त की मांग की है। इस हेतु परिषद पदाधिकारियों ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम में ज्ञापन दिया है। उपखंड अधिकारी के मार्फत CM के नाम दिए गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में राज्य निराश्रित, अपंग एवं वृद्ध गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2016 बनाया गया, जिसमें राज्य की पंजीकृत गौशालाओं व कांजी उसमें आयासित, निराश्रित, अपंग एवं वृद्ध गोवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1988 से 1999 का अधिनियम संख्या 14 की धारा 3 ख के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से प्राप्त राशि सिर्फ और सिर्फ गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ही व्यय की जाएगी का प्रावधान कर स्थायी राशि की व्यवस्था भी की गई, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया है, जिसके बाद लगभग 1520
20 गौशालाएं अभी भी सहायता से वंचित है। इस संशोधन के बाद वर्तमान में जिन गौशालाओं को सहायता मिल रही है उनको भी सहायता नहीं मिल सकेगी, अतः उक्त संशोधन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जावे। ज्ञापन में राज्य में पंजीकृत सभी छोटी बड़ी गौशालाओं को सहायता राशि उपलब्ध करवाने वाले में वर्तमान में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने तथा 180 दिन के बजाय पूरे वर्ष 365 दिन सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में विहिप के जिलाध्यक्ष नितेश गोयल, अजीत शर्मा, हरमेश सिंह, द्वारका गिरी महाराज तथा महेंद्र सिसोदिया सहित अन्य उपस्थित थे। गोरक्षा संवर्धन एवं गोरक्षण अधिनियम 2016 में किए गए संशोधन को निरस्त करने बाबत आज ज्ञापन दिया गया। अभी ये कोविड-19 के चलते पूरे राजस्थान में जो गौशालाओं को जो हेल्प दी जाती थी सरकार के द्वारा, अभी उसको रोका गया। इससे पूरे राजस्थान की गौशालाओं में लगभग जितनी भी गायें उनके भूखे मरने जैसी स्थिति पैदा हो रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार को ये ज्ञापन दे के निवेदन किया गया है कि जो गौशालाओं को जो फंड दिया जा रहा है उसको पुनः चालू किया जाए, अतिशीघ्र चालू किया जाए। नारी शक्ति संगठन ब्यावर की ओर से सितंबर माह के पहले रविवार के तहत रविवार को प्रातः भारत माता की आरती की गई। आरती में सभी सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आरती की तथा मां भारती की आरती कर देश को वैश्विक महामारी कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना की। इस दौरान अध्यक्ष ममता गुप्ता, सुमन राठौर, सावित्री देवड़ा, सुशीला कुमावत, कल्पना कुमावत, गीता शर्मा, लक्ष्मी देवी शर्मा, सुनीता शर्मा, जानकी, अजय गुप्ता, शैलेंद्र कुमावत, संजय खिया, राजेंद्र शर्मा, भगवान साखला, प्रेम नारायण राठी, अतिन राठी, कालू सिंह चौहान, सुरेश, हरीश साखला तथा हीरालाल सहित भागवत परिवार के सदस्य भी उपस्थित थे। शहर में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। प्रतिदिन शहर में बढ़ते कोरोना रोगियों के कारण प्रशासन सहित आमजन में भय व्याप्त है। रविवार को एक साथ मिले सबसे ज्यादा 43 कोरोना पॉजिटिव रोगियों के बाद सोमवार को थोड़ी राहत रही। सोमवार को राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि सोमवार को शहर के एक प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार से तथा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा अजमेर रोड का एक कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया है। एक प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने मिष्ठान भंडार तथा बैंक को बंद करवा दिया है। साथ ही दोनों ही रोगियों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। बैंक कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशासन ने अजमेर रोड स्थित लघु उद्योग संघ शाखा को आगामी 3 दिन के लिए बंद कर दिया है। आगामी 3 दिनों तक बैंक में किसी भी तरह का कोई लेन देन नहीं होगा। सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा प्रशासन ने बैंक के सभी कर्मचारियों के जांच हेतु कोरोना सैंपल्स लिए गए हैं। मालूम हो कि रविवार को शहर में सुबह 25 तथा शाम की जांच रिपोर्ट में 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। मालूम हो कि रविवार को शहर के अजमेर रोड स्थित यूबीआई बैंक की एक महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। महिला कर्मचारी की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बैंक शाखा को मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। बैंक सूत्रों के अनुसार बैंक में बुधवार से लेन देन का कार्य सुचारू होगा। जवाजा थाना अंतर्गत ग्राम दुर्गावास चौराहे पर रविवार को दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दूसरा बाइक सवार मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची जवाजा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया तथा परिजनों को सूचित किया। मृतक की पहचान जालिया प्रथम निवासी 45 वर्षीय नौरत सिंह पुत्र हजारी सिंह रावत के रूप में हुई है। उधर सोमवार सुबह जवाजा थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में सोमवार सुबह चटक धूप के बाद अचानक उमस बढ़ गई, जिसके चलते शहरवासियों को मारे गर्मी के परेशान होना पड़ा। उमस के बाद आसमान में बादल छाने लगे। अचानक छाए बादलों के बाद देखते ही देखते झमाझम बरसात का दौर शुरू हुआ। करीब आधे घंटे तक चली झमाझम बरसात से शहर पानी से तरबतर हो गया। उधर बरसात का पानी शहर के खड्डों में भरे पानी के कारण वाहन चालकों व पैदल राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर बरसात के दौरान वाहन चालक तथा पैदल राहगीर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। साथ ही साफ सफाई अभाव में चौक हुई नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा।
गौ संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम में संशोधन और सरकार के दोहरे रवैये के आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद और स्वयं सेवकों ने आज आमेर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रिपोर्टर सुनील जैन के अनुसार इस मौके पर संतों सहित हिंदू समाज के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। प्रदर्शन के दौरान गौ संरक्षण के नाम से आए बजट को अन्य स्थानों पर खर्च करने से नाराज संत समाज ने कहा कि गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार ने यह प्रकल्प शुरू किया था जिसका सरकार दुरुपयोग कर रही है, जबकि गौ माता को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। वही गढ़बोर में जल झूलनी एकादशी पर प्रशासन की मौजूदगी में परंपराओं के निर्वहन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शाही सवारी निकालकर दूध तलाई तक ले जाया गया। इसके बाद अल सुबह ठाकुर जी को फिर से मंदिर से लाकर विराजित किया गया, लेकिन सभी नियमों की पालना के बावजूद प्रशासन ने 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। जबकि राजनगर में मौलाना की मौत के बाद अंतिम संस्कार के दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रशासन के इस दोहरे रुख के चलते हिंदू समाज में जोरदार आक्रोश है। इस पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन दिया गया सर, जो हमारे गौ माता के लिए अनुदान आगे से आ रहा है वो कटौती करके जो आपदा पीड़ितों को आगे दूसरी जगह खर्च किया जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे गौ माता की संरक्षण के लिए जो बजट आगे से आ रहा है गौशाला तक और गौ भक्तों तक पहुँचे, वो गौ माता की सेवा हो, यही हमारी आज का ज्ञापन था। हमें जो जल जुलनी 11 को रामरेवाड़ी निकाली थी उसमें कोरोना का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए रामरेवाड़ी निकाली गई थी, उसमें प्रशासन ने 18 जनों के नाम जब मुकदमा दर्ज कर दिया और उसी के दूसरे रोज राजसमंद जिला हेडक्वार्टर पे पुलिस थाने के बिल्कुल पास में एक मौलाना जी चल बसे, उनके जनाजे में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, वो भी हमने ज्ञापन दिया। इसका हिंदू समाज में भारी रोष है, अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई दोहरा मापदंड है, और अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू समाज आगे आंदोलन कर सकता है। शहर के मसूदा रोड स्थित मानगंज मोहल्ले के युवकों ने गली संख्या 1 में स्थित क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदलने की मांग की है। मांग को लेकर सोमवार क्षेत्र के युवकों ने विद्युत विभाग के छावनी स्थित कार्यालय में सहायक अभियंता को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि मसूदा रोड स्थित मानगंज मोहल्ले में लंबे समय से एक विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो रखा है, जिसके कारण वहां पर हर समय हादसे का डर बना रहता है। युवकों ने बताया कि क्षेत्र में हर समय आवाजाही बनी रहती है, जिसके कारण लोगों में क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को लेकर भय व्याप्त है। ज्ञापन में बताया गया कि इस हेतु पूर्व में भी विभाग को एक पत्र दिया गया था, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। युवकों ने क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को नहीं बदलने की सूरत में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होना बताया है। ज्ञापन देने वालों में जितेश, फिरोज, जीतू, खीमरा, सिरोया सहित अन्य क्षेत्रवासी शामिल थे। वार्ड नंबर 54 के अंदर आज के 5 दिन पहले बिजली के खंभे पे जो वायर वगैरह थे वो कट गए थे, टूट गए थे, और बारिश की वजह से पानी का भी जमाव हो रहा है, और 2-3 दिन पहले एक बच्ची को भी करंट आ गया। बिजली विभाग में भी शिकायत करी थी हमारे शिवराज जी हैं वार्ड नंबर 54 से, उन्होंने ठीक है, फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वहाँ पे पार्षद जी हैं उनको भी सूचना दी गई थी, लेकिन किसी के भी थ्रू कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। वार्ड नंबर 54 के अंदर ये खतरा बढ़ता जा रहा है, बारिश की वजह से पानी का जमाव होने के कारण किसी को करंट आ जाए तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो प्रशासन से और बिजली विभाग से हम निवेदन करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करें। नाथद्वारा नगर के सर्राफा बाजार में उच्चकों ने दिन दहाड़े एक वारदात को अंजाम देते हुए 10 लाख रुपए कीमत के सोने के आभूषण चुरा कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि उच्चक के एक सर्राफा व्यवसायी की आंखों में धूल झोंकते हुए 200 ग्राम वजनी सोने की चेन चुरा ले गए। नाथद्वारा रिपोर्टर कुलदीप शर्मा के अनुसार सोमवार को सर्राफा बाजार में सिद्धि ज्वेलर्स नामक दुकान के मालिक विमल सियाल के पास दो युवक पहुंचे थे। सियाल ने बताया कि इस दौरान दोनों युवकों ने उन्हें सोने के लौंग व चैन दिखाने को कहा। सियाल के अनुसार वे दोनों युवकों को लौंग तथा सोने की चैन दिखाने में व्यस्त हो गए। इस दौरान युवकों ने मौका पाकर पास ही में पड़े एक पैकेट पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें सोने की चैनें रखी हुई थी। दुकानदार सियाल को इस बात की जानकारी दोनों युवकों के दुकान से चले जाने के बाद लगी। सोने की चैनों से भरा पैकेट पार होते ही दुकानदार के हाथ पांव फूल गए और उसने आसपास में दोनों युवकों की तलाश शुरू की, लेकिन दोनों का कहीं पर भी सुराग नहीं लगा। परेशान दुकानदार विमल सियाल ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर आपबीती सुनाते हुए अज्ञात युवकों के खिलाफ
चोरी की शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के बाद आसपास के क्षेत्र में स्थित सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन कहीं पर भी दोनों युवकों के बारे में जानकारी नहीं मिली है। पुलिस दुकान के आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण की घटनाओं के चलते लंबे समय बाद सोमवार को नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। सोमवार को अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार के नेतृत्व में चांगेट से अभियान की शुरुआत की। इस दौरान टीम के सदस्यों ने दुकानों के बाहर अस्थायी रूप से सामान रखकर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए सामान भी जब्त किए। परिषद की ओर से अचानक की गई कार्यवाही के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान शहरी क्षेत्र में बेतरतीब ढंग से खड़े हाथ ठेले वालों को भी हटाया गया। चांगेट से शुरू हुआ अभियान रांचो पर एकता सर्किल, महादेव जी की छतरी, फतेहपुरिया चौपड़ से अजमेरी गेट तक पहुंचकर समाप्त हुआ। कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य निरीक्षक के सी मीणा, एएन चिराग गोयल तथा नगर परिषद के जमादार व सफाई कर्मचारी शामिल थे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। गैंग के सरगना बुकरा जोधपुर कॉलेज की गोली मारकर हत्या, हत्या के बाद हत्यारे हुए मौके से फरार। एसडीएम ने किया नगर परिषद का औचक निरीक्षण, आयुक्त कक्ष में परिषद अधिकारियों के लिए बैठक। भाजपा पार्षदों ने की पानी रोड लाइट व साफ सफाई की मांग, विरोध प्रदर्शन करते हुए आयुक्त के खिलाफ लगाए नारे। और आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में युवक की मौत, पुलिस ने 24 घंटे में किया आरोपी को गिरफ्तार।